योर वॉइस आपकी आवाज। आज एक बदलाव के चौखट पर हम खड़े हैं, लेकिन इतिहास दोहराना भी जरूरी है। हम आज उस स्वतंत्रता के सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 75 साल पहले अपने सर से कफन बांध कर गुलामी का कलंक हमारे भारत के माथे से हटाया और हमें आजादी दी। उनके दिल में सोच विचार धारा थी, उनके दिल में और विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह हमारा हिंदुस्तान उजागर हो पाए। मेरे भाइयों, मैं बहनों, मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ और तजुर्बे में भी बहुत छोटी हूँ, इसलिए अपना भाषण भी छोटा रखूंगी। मैंने पहली बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जब देखा था तो उन दिनों में 12th क्लास की छात्रा थी। मैंने उन्हें सिर्फ एक बात कहते हुए सुना था कि उनका सिर्फ एक ही सपना है और वो सपना ये है कि MIM पार्टी के दरवाजे देश के सभी बुजुर्गों, नौजवानों, युवक और युवतियों के लिए खोल दिए जाए। उनकी सरफरोशी और परिवर्तन का आज ये नतीजा है कि मुझ जैसी युक्ति आज आपके सामने खड़ी है। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सपा सरकार को अपने मसीहा समझने वाले मुसलमानों, सुनो, याद करो वो दिन जब सड़कों पर तुम्हारी बहनें अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। याद करो वो दिन जब हमें आसान हो रही है। सपा सरकार को अपने मसीहा समझने वाले मुसलमानों, याद करो वो दिन जब मुजफ्फरनगर में तुम्हारी बहनों के साथ तुम्हारी माँ के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा था। याद करो वो दिन जब हमें जिंदा आग में जलाया जा रहा था। याद करो वो दिन जब तुम्हारे मस्जिदों को तुम्हारे घरों को जलाया जा रहा था। याद करो वो दिन जब तुम्हें मूली गाजर की तरह बेरहमी से काटा जा रहा था। याद करो वो दिन जब तुम्हारी बहनों का भी बाहर चीर हरण किया जा रहा था और उनके साथ इतना गंदा व्यवहार किया जा रहा था कि एक लड़की होने के नाते मैं आपके सामने डेस्क राइट तक नहीं कर सकती। तब कहा थे मुसलमानों के मसीह अखिलेश यादव? मैं बताती हूँ कहा थे अखिलेश यादव। वो सैफई के अंदर डांस पार्टी में व्यस्त थे। तब कहा थे ये नाम यहाँ सेकुलर पार्टियां और आज हैदराबाद की सरजमी से चलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमें इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, तो आज तुम उसे बीजेपी का एजेंट कहते हो? अगर कोई ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहता है तो मुझे ऐसे हजारों लाखों एजेंट चाहिए जो गरीबों और मजदूरों पर हो रहे जुल्म के बिना आवाज उठा सके। कौन कहता है ये सुधर रहे हैं? कौन कहता है ये सुधर रहे हैं? ये देश को धीरे धीरे उतर रहे हैं, ये देश को धीरे धीरे उतर रहे हैं। ये मसीहा बनकर गरीबों की बस्ती में बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों से उतर रहे हैं। और रिसेंटली भी अभी झांसी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। एक सेकंड को सोचिए, जितने भी यहाँ सभा में उपस्थित है जरा इस सेकंड को सोचिए, अगर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह न करे कुछ हो जाता तो फिर हमारा क्या होता? सोचिए। अरे ये नाम यहाँ सेकुलर पार्टियां तो चाहती है कि अपने कयादत ही खड़ी ना कर पाए। ये ऐसे ही मुसलमान भटकते रहे और ये सोचते हैं कि मुसलमान गुलामी करने के लिए हमें विरासत में बहुत गिफ्ट मिले हुए हैं। अगर गोली मारने से तुम्हारे दिल की नफरत खत्म होती है तो आज इस मंच के माध्यम से मैं भारत की बेटी कहना चाहती हूँ कि मैं खुलेआम खड़ी हूँ, मुझे गोली मारो। लेकिन याद रखना, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को
चाहते हैं कि हमारे दरमियान जनाब इम्तियाज जलील साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब तशरीफ ले आए, मोहतरम जनाब हारिस पठान साहब भी तशरीफ ले आए, इम्तियाज जलील साहब। लेकिन याद रखना, अगर हम यहाँ एक बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी को पूछा गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज मुझे आप चुनौती दे रही हूँ कि अगर ओवैसी के साथ किसी ने आंख उठा कर देख लिया तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। किसी ने बैरिस्टर असद उद्दीन ओवैसी को गलत कहा तो हम उसकी जबान खींच लेंगे। अगर किसी ने ओवैसी को ऊपर हाथ उठाया तो हम उसके हाथ तोड़ देंगे। अगर हिम्मत है तो पहले MIM पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सामना कर धूल चटाकर उल्टे पैर न लौटा दिया तो हम भी MIM पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। तुम्हारा जीना भी दुर्भर न बना दिया तो मैं भारत की बेटी नहीं। बेईमानों ने चोरी के डर से चारों तरफ रोशनी कर ली है। बेईमानों ने चोरी के डर से चारों तरफ रोशनी कर ली है। सुना है शेर को मारने के लिए सियार और लोमड़ी ने दोस्ती कर ली है। पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग खून के आंसू रो रहे हैं। माँ रो रही है, बहन रो रही है, बेटी रो रही है, गरीब रो रहा है, भूखा रो रहा है। आओ इन तमाम लोग अपने एक आंसू का हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है, हमें लूटा गया है, हमें बर्बाद किया गया है। तुम्हारी जो जिल्लत, जो तोहीन, जो पाप हुआ है उसे पूरी दुनिया ने देखा है। यह हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठने वाले लोग, संविधान की कुर्सी पर बैठने वाले लोग जालिम है, बेईमान है, मुजरिम है, इंसानियत के कातिल है। जो इनसे इंतकाम नहीं लेगा, जो जुल्म के खिलाफ नहीं लेगा वो भी जालिम है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपने आप को और अपनी सफों को जालिमों की सफों में शामिल मत करो। और ये सोच लो कि 70 सालों की आजादी के बाद ये हुआ पहली बार शामिल नायका भी हुआ है। एक कमजोरों, जमाने के सताए हुए लोगों, वो जिन्हें मंदिरों की दहलीज तक जाने नहीं दिया था, जिन्हें कुएं से पानी तक पीने नहीं दिया था, जिन्हें इंसान नहीं समझा गया था, सदियों से ना इंसान के झेलने वाले लोग आज पहली बार मंच पर आए हैं। आओ तारीख बदल दो, हिंदुस्तान का मुकद्दर तुम्हारे हाथ में है। ये सैलाब हिंदुस्तान की तारीख बदलेगा। एक बार जान लो कि तुम्हारे कल के हिंदुस्तान की होगी। हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला कोई नहीं कर सकता। वक्त की कमी है, अध्यक्ष जी का भी आदेश हुआ है। अंत में सिर्फ इतना कहूंगी कि संविधान सभा के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अगर 5 अंगुलियां रहेंगी तो बिखर जाएंगी, अगर ये अंगुलियां मुट्ठी बन जाएंगी तो देश का विकास और देश का उत्थान सुनिश्चित हो पाएगा। इसलिए हमें मुट्ठी बनकर भाजपा का सामना करना है। और मुझे विश्वास है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में भी लाल किले पर झंडा लहराएगा। वो चिंगारी है, किसी दानिशमंद को दोगे तो घरों से अंधेरा दूर करेगा, किसी पागल या लुटेरे को वोट दोगे तो घरों को जला देगा। ये जो वोट है ना, ये कोई कागज की गुड़िया नहीं है डब्बे में डाल दिए उतर दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज की उन्नति की पर्ची है। एक शेर के साथ अपनी वाणी को कहीं विराम देना चाहती हूँ क्योंकि अध्यक्ष जी बहुत बार परेशान कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शायद में दो लाइन अर्ज करती हूँ। ये हुनर, ये सादगी, ये अपने पन की मूरत नहीं देखी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपने पन की मूरत नहीं देखी, किरदार को बहुत देखे जमाने में मगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत नहीं देखी। अल्लाह हाफिज़।